होते थोड़ा माहौल में स्वागत किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप लोगों की तालियां निरंतर बजती रहे। आदरणीय को रहा है सर फोटोग्राफी के समय। आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से शिक्षक सम्मान समारोह, हर वर्ष अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों प्रधानाचार्यों का प्रधानाचार्य परिषद, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद वाराणसी और दीवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित है। वाराणसी जनपद में इस वर्ष 8 प्रधानाचार्यों ने अवकाश ग्रहण किया और लगभग 7-8 शिक्षकों ने अवकाश ग्रहण किया, तो आज ये भारी जन समुदाय के बीच में इन्हीं शिक्षक साथियों का सम्मान हो रहा है। गुरु जी, बात की जाए तो एक साथी आपसे दूर हो रहा है, कितनी चीजें लग रही हैं, मतलब जहां 60 साल आपके संग का एक दूसरे के संग चाहे और एक पढ़ाई की विकास की बात होती है, बच्चों के विकास की पढ़ाई की, तो अब उनसे आप पिछड़ रहे हैं, तो कैसा आप फीलिंग हो रहा है? निश्चित रूप से आपका कहना 100% सत्य है। इसमें तमाम बंधु जो आज अवकाश ग्रहण किए, हम लोगों के साथ लगातार 22-23 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, अब बड़े आत्मीय भाव से कर रहे हैं। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बहुत कुछ दिया है, उनका अब बहुत हम लोग मिस करेंगे, उन्हें उनकी याद बराबर आएगी, लेकिन विधि का विधान ऐसा है, प्रकृति का ऐसा नियम है कि परिवर्तन ही इसका सत्य है। और एक निर्धारित अवधि तक सरकारी सेवा करने के पश्चात उसे हम लोग दूसरे स्वरूप में लेते हैं कि अब तक हम एक नियम कानून के अंदर बंध कर हमने समाज की सेवा की, अब हम स्वतंत्र रूप से समाज की सेवा करने के लिए अब उन्मुक्त वातावरण में विचरण करेंगे और जितना हो सकेगा समाज की सेवा करेंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश है कि अपनी पढ़ाई को और कैसे आगे बढ़ाएं? बच्चों के लिए हमारा यही संदेश है, और आज इस अवसर पर अपने अवकाश प्राप्त हो रहे साथियों से संदेश पहले निवेदन है कि भावी युवा पीढ़ी के लिए जहाँ जब अवसर मिले उनका मार्गदर्शन करते रहें, और आज की युवा पीढ़ी बच्चों को विशेष रूप से है कि अपने गुरुजनों का सम्मान करें, वही उनके लिए अमृत तत्व होगा, और जितना वो सम्मान करेंगे उतना ही उन्हें कुछ प्राप्त होगा जो उनके जीवन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए, शिक्षक शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे हैं, और छात्र पहले भी बहुत अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छे हैं, खाली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा शिक्षा की ओर से ध्यान इसलिए हट रहा है कि जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल जो है, बच्चा उस तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से जो संपर्क था शिक्षा के साथ, शिक्षक के साथ और विद्यालय के साथ, वो संपर्क थोड़ा कम होता जा रहा है। ये मेरा अनुभव है, मेरी काफ़ी आयु है और मैंने देखा है। एक ख़ास वजह यह है कि जो पहले एक जुड़ाव था शिक्षक का और छात्र का, वो जुड़ाव थोड़ा कम हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि ये एक क्षणिक है, ये टेम्परेरी है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये फेज़ निकल जाएगा और हम दोबारा से उसी फेज में चले जाएंगे। सरकार तो बात करती है कि स्मार्ट कॉलेज की, स्मार्ट शिक्षा की। जी देखिए, नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से स्मार्ट शिक्षा होना ज़रूरी है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है, जो जिस तरह से हम, हमारी भारत की परंपरा है, संस्कृति है, थोड़ा उससे अलग इसलिए हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा और शिक्षक और छात्र का जो संपर्क है वो इस वजह से थोड़ा कम होता जा रहा है। छात्र बहुत आत्मविश्वासी है, उसको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसको सारी दुनिया की जानकारी बहुत ज़्यादा है, अब वो खाली गुरु पर या शिक्षक पर निर्भर नहीं है, लेकिन अंतर यही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से ज़्यादा जुड़ने के कारण जो एक व्यक्तित्व का विकास होता है, जो गुरु उसको दे सकता है रियल टाइम में, वो थोड़ा उससे वंचित होता है। सर, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। ग्रुप ने जो कॉलेज बनाया है वो जो बच्चे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते
उनके लिए उसी माध्यम से मतलब उन लोगों को जोड़ने के लिए बनाया है कि जो बच्चों की फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो लेकिन बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले। आज की डेट में क्या हो रहा है, जितने भी प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं उन लोगों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीस ज़्यादा होने से जो मेरिट के बच्चे हैं, जो अच्छे एजुकेशन चाहते हैं और जिनको मिलनी भी चाहिए, वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो इस ग्रुप ने ये एक इनिशिएटिव हमेशा शुरू से लिया हुआ है, 28 साल हो गए इस कॉलेज को, कि ये अफोर्डेबल फ़ीस में कम ही फीस ले करके अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, चाहे वो यूजी के कोर्स के लिए हो चाहे वो पीजी के कोर्स के लिए हो। प्लस कॉलेज का माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ पर शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके साथ साथ खेलकूद कल्चरल एक्टिविटीज़ उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आगे की क्या तैयारी, आगे की क्या रणनीति है कॉलेज को लेकर के? सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिटायर्ड डॉक्टर कर्नल नरेश गोयल सर। हम लोगों का इस वक्त यही है कि हम कॉलेज को यूनिवर्सिटी के लेवल पे ले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है। तो जितनी भी अच्छे लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उस लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।